तो दोस्तों हम दर्शन करके केदारनाथ धाम के गार्डन में आ चुके हैं, जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत गार्डन है, काफ़ी हरा भरा हुआ है, काफ़ी स्पेस है और एक तरह से देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस की तरह है, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और दर्शन के बाद अपना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करते हैं, जहाँ पर रिलैक्स होने का एक बहुत शानदार पॉइंट है और यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू भी आप देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग स्पॉट बने हैं हाइट पर, ये अलग अलग स्पॉट से आप जाके पिक्चर ले सकते हो, लोकेशन का पूरा व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और मैं आपको दिखाऊंगा इस गार्डन की सारी खासियत क्या है और यहाँ से अपन क्या क्या तो देख सकते हो। इसमें बैठने के लिए चेयर्स लगी है पत्थर की और काफ़ी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और इसमें झूले भी लगे हुए हैं, कुछ लोग अपना पिकनिक भी मना रहे हैं, जो लोग घर से अपना खाना लेके आए थे। देख सकते हो दोस्तों काफी शानदार व्यू है। बने रहिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं काफी हाइट पर, गार्डन के जो पॉइंट बने हैं, जो वॉच टावर बने हैं, जहाँ से आप पूरा केदारनाथ का पूरा व्यू देख सकते हो। दोस्तों काफ़ी शानदार गार्डन है, काफ़ी नेचुरल और ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और नीचे की साइड में आप देख सकते हो ये वो वाटरफॉल, जहाँ पर सभी लोग नहाने के लिए जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, इसके बाद भगवान के दर्शन करके फिर सभी लोग गार्डन में आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और मैं आपको दिखाऊँगा इस लोकेशन की जो मेन में हमारे साथ कुछ भाई लोग आए हैं, वो भी दर्शन करके इस पॉइंट पे खड़े हैं हमारे साथ और वो हो सकता है उनका भी चैनल हो, बट आई डोंट बिलीव नहीं है, कोई चैनल नहीं है। तो दोस्तों तो आपके चैनल को फॉलो करें, कहाँ से आए आप लोग? वैसे हम गुना के हैं, लोकल के हैं। नाम क्या है आपका? मेरा डेस्मिना नाम है। अच्छा, और आपका? मेरा विशाल मालवी। विशाल और डीएस दोनों दोस्त आए हैं दोस्तों, रहने वाले शाहजहाँपुर के है। Yes. और हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है। हाँ झूलो झूल रहे झूला, पर सभी पर्यटक आते हैं और झूलते हैं तो मेरे साथ से जो बच्चों की हेल्प कर रही है और मैं भी झूल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं। अब मेरे पास सुरबिन गया है झूला झूलने, देख सकते हो दोस्तों काफी झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हो।